हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर्स के इंस्टॉलेशन। तो कुछ हार्ड नहीं है इतना इसमें। बेसिक हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें Node.js चाहिए। तो नोड को आपको इंस्टॉल करने के लिए विजिट करना पड़ेगा Node.js.org पर। और जैसे आप इस पर विजिट करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो है, एक LTS है यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और सेकेंड वन है करंट। तो करंट क्या है, इसमें लेटेस्ट फीचर्स होते हैं। हो सकता है इसमें शायद बग्स हो, क्योंकि इसमें लेटेस्ट फीचर्स पर जो है काम कंटिन्यू प्रोग्रेस में रहता है। अब LTS में क्या है, ये एक स्टेबल रिलीज है, तो इसमें कोई ज्यादा एरर्स आपको देखने नहीं मिलेंगे जब तक कि आप खुद से क्रिएट ना कर ले वो एरर। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं LTS को भी, या फिर करंट पर भी आप काम कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा एरर्स तो नहीं आते, बहुत माइनर है जो कि समझ में भी नहीं आते हमको, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो पहले क्या होता था, हमको इसको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन जैसे आप यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर npx कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, npx का कमांड लिखना है, उसके बाद में क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर आपके एप्लीकेशन का नाम। तो यहाँ पे माई ऐप है, तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, पिज्जा शॉप ऐप, जो भी आपको लिखना है वहां पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर रिएक्ट की बात। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या है, MongoDB। अब इसमें दो है, देखिए आप इसको ना ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्लाउड का ऑप्शन है और यहाँ पे एटलास। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक फ्री टियर मिलता है 500 MB का शायद कुछ, तो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लस्टर क्या है, एक डेटाबेस हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और 500 MB तक शायद आपको फ्री में मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा शायद लॉक है, मैं देख लूंगा, मैं देखता हूँ, हम ट्राई करेंगे एटलास को यूज करने के लिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और यहाँ पर कम्युनिटी सर्वर पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए MongoDB कम्युनिटी सर्वर, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपको मिल जाएगा, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो MSI भी कर सकते हैं, ZIP कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सा इंस्टॉलेशन है, कोई भी कर सकता है। और आप मन स्टैक कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कोई अदर टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कंपनीज में भी जो है VS कोड का इस्तेमाल हो रहा है JavaScript, React और Node पर काम करने के लिए। तो आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई अदर आपको IDE पसंद है, जैसे कि बहुत सारे एटम यूज करते हैं अभी भी, या फिर WebStorm भी आप यूज कर सकते हैं जो कि पेड है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए जो है VS कोड का इस्तेमाल करें, फ्री है और बहुत पावरफुल है। तो यही चार सॉफ्टवेयर हमको चाहिए थे, आप इनको इंस्टॉल करके रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ टेम्पलेट आपके लिए क्रिएट कर रखी है, तो आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें, तो डायरेक्टली आपको जो है प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट की स्टार्टर टेम्पलेट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक स्टार्टर टेम्पलेट क्रिएट कर रखी है, तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें बेसिक सा सेटअप मैंने कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार उसका सेटअप भी समझा देता हूँ।